Hello friends, welcome in Civil Engineering ABC. Today we will discuss about Mohs hardness scale trick. यह टॉपिक SSC के लिए SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ गेट और IAS जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है, साथ ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी है. सो फर्स्ट वी सी हु क्रिएट द मोस स्केल. ही वॉज जर्मन जियोलॉजिस्ट एंड मिनरोलॉजिस्ट कार्ल फ्रेडरिक क्रिस्टियन मोस. इन्होंने यह स्केल क्रिएट किया था, और कब किया था? 1812 में, 1812 में इन्होंने इसको क्रिएट किया था. आगे मोस स्केल को डिफाइन करने से पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से ज़्यादा इसका सीक्वेंस इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो सर फ्रेडरिक मोस जी ने 10 मिनरल सेलेक्ट किए थे जिनका डिफरेंट हार्डनेस था, और उन्हें सॉफ्टर टू हार्डनेस सीक्वेंस में अरेंज करते हुए उन्हें हार्डनेस स्केल पे पोजीशन नंबर दे दिया. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि टेल्क का 1 है और डायमंड का 10. सो डायमंड सबसे हार्डेस्ट हो गया इन 10 नंबर ऑफ मिनरल्स में. सो हम लोग देखें तो जो इसका सीक्वेंस आएगा, वो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है 10 नंबर के, वो हमें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले हमारे पास आता है टैल्क, सेकंड जिप्सम, थर्ड कैल्साइट, फोर्थ फ्लोराइड, फिफ्थ एपेटाइट, सिक्स्थ ऑर्थोक्लेस, सेवंथ क्वार्ट्ज, एट्थ टॉपेज, नाइन्थ कोरंडम, टेंथ डायमंड. सो तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक आता है वो क्या आता है हमारे पास? टकला गया कलकत्ता, फ्लेट अपना बेचने, और तो और क्वीन टोपाजी को डायमंड दिला दिया. फिर से एक बार, टकला गया कलकत्ता, फ्लेट अपना बेचने, और तो और क्वीन टोपाजी को डायमंड दिला दिया. बस इतना सा ये था शॉर्ट ट्रिक. आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन. मोस स्केल ऑफ मिनरल हार्डनेस इज ए क्वालिटेटिव ऑर्डिनल स्केल characterizing scratch resistance of various minerals through the ability of harder material to scratch softer material. इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैल्क और जिप्सम ही दो मात्र ऐसे मोस स्केल में मिनरल्स हैं जो कि फिंगर नेल से स्क्रेच किए जा सकते हैं. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो मिनरल हैं, या कोई भी जो मिनरल है चार ऑप्शनों में से, जो फिंगर नेल से स्क्रेच किए जा सकते हैं. तो वो होगा हमारे पास जिप्सम एंड टैल्क. उसके बाद अगर हम लोग देखें कैल्साइट, तो कैल्साइट के लिए हमें कॉपर के जो कॉइन होते हैं उसको अगर हम लोग उस पर रब करेंगे, स्क्रेच करेंगे, तो उस पर स्क्रेचेस आ जाएंगे. उस पर अगर हम लोग रब करेंगे तो उस पर स्क्रेचेस आ जाएंगे. उसके बाद फ्लोराइड एंड एपेटाइट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ नाइफ उसमें स्क्रेचेस ला सकते हैं. इस तरीके से और भी मिनरल्स में स्क्रैचेस, जो जैसे डायमंड है, डायमंड अगर हम लोग किसी भी दूसरे सॉफ्टर पे अगर हम लोग रब करें, जैसे टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, कोई सा भी, तो उन सब में स्क्रैचेस ला सकता है डायमंड. इसके अलावा अगर कुछ प्रैक्टिकली यूज़ देखें तो जैसे हमारे पास गोरिल्ला ग्लास होता है एंड्रॉयड फोन्स में, डिस्प्लेस में, तो जो गोरिल्ला ग्लास है उसका मोह स्केल नंबर जो है वो आता है 6 to 7 आता है मोज स्केल ऑफ हार्डनेस. बस इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट क्या मतलब, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. सो